मतलब ये रूम आज यहाँ काफी सारे नए लोग हैं. वी हैव न्यू बिजनेस पार्टनर्स. एज ऑल ऑफ यू नो एट साहिल इंटरनेशनल वी मेक अ फैमिली ऑफ आवर बिजनेस पार्टनर्स एंड इट सीम्स दैट वी हैव सम न्यू एडिशंस टू दिस फैमिली. सो आई वांट ऑल द ओल्ड फैमिली मेंबर्स टू वेलकम द न्यू फैमिली मेंबर्स. वेलकम. सो आई होप यू हैव लॉट्स ऑफ सक्सेस. वी विश यू loads of success. We want to be hand in hand, walk forward at Sahil International and achieve all the success together. So thank you and good luck. So पहले तो सीधा नए प्रोडक्ट में जाते हैं. बाहर देखा है फिर भी एक बार समझा दूं ठीक से क्या क्या है. तो पहले तो नया ओवल, नया GTO सीरीज. अब जो नया GTO सीरीज है 949 जो है अभी, ये उससे एक कदम नहीं चार कदम आगे. इनफैक्ट जो पूरा GTO सीरीज है, पहले CS से GTO थोड़ा आगे था, अब CS से GTO टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वगैरह में दो तीन कदम आगे कर दिया है. नॉट ओनली स्पीकर, एम्पलीफायर वगैरह. तो अभी GTO सीरीज आप ये समझ लीजिए कि जो पहले पावर सीरीज था वो लेवल पे. Okay? नाम GTO है, we have not changed that, लेकिन GTO का हर प्रोडक्ट अब पावर सीरीज में होगा. ओवल पैकेजिंग भी आप देख सकते हैं, टोटली न्यू लुक, न्यू डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन. बाहर है जो बाहर ओवल रखा है और बाहर जो स्पीकर रखा है, ये फाइनल नहीं है, ये फैक्ट्री सैंपल है. इसमें कुछ आगे पीछे चेंजेस होंगे, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा फिनिश में कमी, हालांकि बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसके फिनिश में थोड़ी कमी है क्योंकि ये फैक्ट्री सैंपल है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये फाइनल सैंपल नहीं है. इसका बॉक्स 949 से थोड़ा बड़ा होगा, डिजाइन भी बहुत बेहतरीन होगा, पीक पावर 440 होगा और स्पीकर दिखने में बजने में काफी सुपीरियर. तो ये होगा नया GTO सीरीज ओवल कंपोनेंट. और दूसरा, आपने बाहर GTO के दो एम्पलीफायर देखे, ये भी मैं समझाना चाहता हूँ. एक्चुअली कुमार, वाज इट यू हु आस्क्ड मी? या तो GTO इजी एम्पलीफायर, इसको इजी क्यों बताते हैं मैं बताता हूँ. इस वक्त GTO का एम्पलीफायर चलने में और टेक्निकली CS एम्पलीफायर से बहुत अलग नहीं है, चलने में अलग नहीं है. RCA केबल अंदर डालो, स्पीकर लगा दो, लेवल एडजस्ट करो, लो पास हाई पास, पावर ज्यादा है, क्वालिटी अच्छा है, लेकिन टेक्निकली इतना फर्क नहीं. ये जो GTO EC amplifiers है, ये MS amplifiers की तरह, इसके साथ में CD आएगी. आप CD deck में डालेंगे, volume full करेंगे, इसको setup mode में डालेंगे, इसमें high level low level converter नहीं आएगा, लगना भी नहीं पड़ेगा. इसमें वो RC pin आएगा दो वायर वाला. तो अगर आपको normal RCA cable लगाना है, अगर normal head unit है तो आप लगा सकते हैं. OE वाला head unit हो जिसमें लाइन आउट ना हो तो डायरेक्ट स्पीकर वायर RCA में जाएगा. और जैसे MS एम्पलीफायर में लो वन हाई टू है, इसी तरह सेट करके CD अंदर डालना है, वॉल्यूम फुल करना है. और आप देख सकते हैं यहाँ ये तीन लाइट है, रेड येलो यानी कि आवाज गेन बढ़ाओ, रेड कम करो और ग्रीन मतलब ओके. जब सेटअप के टाइम पे होगा स्पीकर ऑफ हो जाएगा. आप सेटअप करेंगे ग्रीन ग्रीन ओके, एम का लेवल सेट. तो GTO इजी एम्पलीफायर्स MS की तरह होंगे, हाई पावर होंगे. इसमें आप फोर चैनल मोनो, देयर आर वेरियस ऑप्शंस. देयर इज अ फाइव चैनल, आई डोंट नो इफ देयर इज अ थ्री चैनल. सो टू लो पावर वन हाई पावर फॉर वन कंपोनेंट एंड वन वूफर. So three channel, four channel, mono, lots of options, sab easy amplifiers mein hai. GTO easy amplifiers ke baad naya base tube, wo bhi aapne dekh liya hai baar. वैसे बेस ट्यूब आप लोगों को अच्छा लगता है ऐसा सुनने में आया है मेरे को. तो GTX 1100 रिप्लेस होगा GTX 1150D 1150 वॉट.
1150 वॉट का ट्यूब होगा और उसके साथ साथ 1150 वॉट का वूफर भी होगा। ओके, ये जो 1250 और 1150 दोनों कंटिन्यू रहेंगे 2013 ओके, और 1250 और इस वक्त 1100 इंडिया का नंबर वन वूफर और ट्यूब है, और वो जो पोजीशन है 1250 और 1150 के साथ मेंटेन करना है, बस यही प्लान है, सिंपल प्लान। ये आज के प्रेजेंटेशन में सिंपल बात है, कोई लंबी बात नहीं। सो नया वूफर 1150 वाला GTX 1150। ये MS एम्पलीफायर्स की बात मैं एक साल से कर रहा हूं और हम 4-5 महीने से बेच रहे हैं, राइट? कई लोगों को, मतलब जिनके यहाँ ये एम्पलीफायर चल गया है, काफी चल चुका है, और कई ऐसे रीजन्स और टेरिटरीज हैं जहां अभी तक ये एम्पलीफायर पूरी तरह समझ में नहीं आया है। मैं फिर समझाना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये एम्पलीफायर पूरी तरह समझ में नहीं आया है, इसमें एम्पलीफायर की गलती नहीं है। हमें एक आदत सी पड़ गई है एम्पलीफायर, अंदाजे का आइडिया, स्पीकर लगाया, आरसी केबल लगाया, गेन स्क्रूड्राइवर से घुमाया अंदाजे तक, जब तक ठीक लगा। ये अंदाजा सही नहीं होने की वजह से एमएस एम्पलीफायर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, क्योंकि मैं हर एक डीलर को समझा नहीं सकता, मैं आपको समझा सकता हूं, आप अपने डीलर्स को समझा सकते हैं। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। एमएस एम्पलीफायर्स तीन तरीके से डिस्क्राइब किए जाते हैं, स्मॉल, स्मार्ट एंड इनोवेटिव। स्मॉल तो आप जानते हैं, वैसे आप लोगों ने डेमो कार देख लिया, सबने डेमो कार देखा, नहीं देखा, देखा। तो डेमो कार में 2 एम्प है। ये डेमो कार डिजाइन किया गया है फ्रंट सीट के लिए, क्लीन साउंड, नॉट जस्ट डेसिबल बट एसक्यू साउंड क्वालिटी। तो आगे एमएस के कंपोनेंट्स है, पीछे एमएस का 4-चैनल एम्प, एमएस का मोनोब्लॉक, और पीछे के दरवाजे में तो ऐसे ही बस लगाया है। सो स्मॉल आप देख सकते हैं GTO 1004 के ऊपर रखा है, MS 4-चैनल एम्प काफी छोटा है। स्मार्ट क्योंकि GTO इजी एम्पलीफायर्स और ये एम्पलीफायर दोनों में हाई टू लो कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो डायरेक्ट जो RC पिन है इसमें 2 स्क्रू आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। अगर OE डेक यूज करना है तो डायरेक्ट वो स्क्रू में आपको स्पीकर वायर लगाने हैं और उसको एम्प में डाल के गेन एडजस्ट करना है, जिस तरह इजी एम्पलीफायर में CD आती है। मेन एक्चुअली टेक्नोलॉजी CD की इसी की है, आपको CD डेक में डालना है, आपको डेक का वॉल्यूम फुल करना है। डेक का वॉल्यूम फुल हो जाने के बाद अब सेटअप में जाएंगे, सेटअप में आप ग्रीन लाइट, एक बार ग्रीन हो गया CD इजेक्ट करेंगे, वॉल्यूम कम करके नॉर्मल प्लेबैक करेंगे। जब तक लेवल सही नहीं होगा आपको ग्रीन लाइट नहीं मिलेगा, अगर ग्रीन लाइट नहीं मिल रहा है तो आपके कनेक्शन में कोई मिस्टेक है। सो नो हाई टू लो लेवल कन्वर्टर्स। एम्पलीफायर स्मार्ट है, खुद सोचता है कि गलत क्या है सही क्या है। इनपुट स्मार्ट है, अगर आपके पास ऐसा डेक है जिसमें सिर्फ सिंगल सबवूफर आउट है, 1 RCA, तो नॉर्मली हम उसको 1:2 लगाते हैं, फिर उसमें एम्पलीफायर लगता है, इसमें उसकी जरूरत नहीं है। सिंगल टू सिंगल RCA में 4 चैनल चल सकते हैं, सिर्फ 2 नहीं। ये जो स्क्रीन है यहाँ आपको इनपुट देना है, अगर 4 इनपुट है 1, 2, 3, 4 तो आप चारों में 1 डालोगे तो 1 RC केबल से 4 चैनल चलेंगे। अगर आप 1, 2 और 1, 2 डालेंगे तो 2 RC केबल से 4 चैनल चलेंगे। तो ये पूरा जो है बहुत इजीली होता है। उसके अलावा क्रॉसओवर सिलेक्टेबल है, स्लोप सिलेक्टेबल है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन 97 अलग है, प्रिसिशन आराम से सेट होता है, अंदाजे की कोई बात नहीं है। आप नॉर्मल एम्पलीफायर देखेंगे ना तो इस तरफ लिखा होगा 20 हर्ट्ज, उस तरफ 320 हर्ट्ज, आसपास में बीच में अंदाजा लगाना पड़ता है। हियर यू कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी स्टेप बाय स्टेप विद प्रिसिशन। ये एम्स आप जानते हैं, 4:100 एक है और 1:500 एक है। जैसा मैंने आपको समझाया, सीडी से सेटअप होती है, सीडी इसके साथ इंक्लूडेड है, और
वायरलेस बेस कंट्रोल, तब एक साल पहले किसी और के पास नहीं था, आज एक साल बाद किसी और के पास नहीं है। तो सिंपल बात है, कोई वायरिंग की जरूरत नहीं है। अंदर जो मैक्सेल की 2032 वॉच बैटरी आती है वो अंदर है, 50,000 बार आप घुमा सकते हैं, 50,000 बार चलेगी, उसके बाद बैटरी डाउन हो सकती है, आपको बदलना पड़ेगा। बैटरी नहीं बदलना है तो 12 वोल्ट का कनेक्शन दिया है, साथ में वायर भी है। एक कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि लोग सोचते हैं चल नहीं रहा, उसके पीछे जहां सॉकेट है उसमें एक व्हाइट कलर की छोटा एक व्हाइट कलर का छोटा पाइप लगा है, जब तक वो पाइप पीछे होगा तब तक बैटरी को कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो वो पाइप आप एक बार निकालेंगे पीछे से तभी चल के WBC चलेगा। तो वायरलेस मोनोब्लॉक के साथ, और अगेन आपको बताऊं कि अगर 4, 5, 6, 10, 100 मोनोब्लॉक भी हो तो एक कंट्रोल से सब साथ में कंट्रोल, एक ही कंट्रोल। MS components जो हमारी डेमो कार में लगे हैं बहुत हाई क्वालिटी के components हैं, इनका साउंड CS और GTO से बिल्कुल ही अलग है। ये ब्राजील की फैक्ट्री में बनी है, इसमें जो components है, जो स्पीकर्स है, जो ट्वीटर है, बहुत हाई क्वालिटी का, बहुत हाई क्वालिटी का, और इसमें जो साउंड रिप्रोडक्शन है आपको बहुत क्लीन और बहुत लाउड मिलेगा। लेकिन अगर किसी को सिर्फ शोर करना है तो ही मे नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट। इसमें क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कोई स्पीकर को लाउड बजा और वो अच्छा बज रहा है तो लाउड कम लगता है, जब वो फट रहा है तो लगता है बहुत लाउड बज रहा है। ये फटने वाली चीज नहीं है। अगर कोई ऐसा आदमी है जो सिर्फ फाड़ के बजाना चाहता है उसको ये कंपोनेंट नहीं जमेगा, ये क्वालिटी वाले के लिए। ओके, एंड उसी के साथ एक डुअल वॉइस कॉइल सबवूफर, ये आप देख सकते हैं, ये वूफर बिल्कुल अलग लगता है बाकी सबवूफर्स जो CS सीरीज के हैं, GTO वगैरह सब जो भी सबवूफर्स है, इससे इसका डिजाइन बिल्कुल अलग है। ये भी ब्राजीलियन फैक्ट्री में बना है, बहुत हाई क्वालिटी का है, और इसमें डबल 4 ओम वॉइस कॉइल और ये फ्री एयर। फ्री एयर तो आप जानते हैं कि पार्सल शेल्फ पे डायरेक्ट बॉक्स होना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट पार्सल शेल्फ पे आप माउंट करके बजा सकते हैं। इन्फिनिटी में जो नया था वो तो था ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गोवा का प्लान बन जाए उससे पहले तो आप लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, तो प्रोडक्ट तो आपने देख लिया है, अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस बहुत अच्छा है, तो ये तो आपका ऑलरेडी सक्सेस है। आप जानते हैं इसमें एक 6x9 है कंपोनेंट है और एक 6.5 इंच का ओवल है, ये प्रोडक्ट आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं इस पे ज्यादा और टाइम नहीं निकालना। अभी मैं थोड़ा मस्ती करूंगा। नाउ इज द